आज मैं आप सभी लोगों के लिए शेयर करने जा रही हूँ मार्केट जैसी क्रीमी टेक्सचर में और सॉफ्ट तरीके से चोको पाई की रेसिपी। बच्चों को तो काफी पसंद आने वाली है दोस्तों, तो फटाफट तरीके से इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। और ना ही इसमें कोई माइक्रोवेव की जरूरत है और ना ही कोई अंडे की, बस इसे पैन में आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए चोको पाई बनाने के लिए सबसे पहले हम जो चोको पाई के अंदर व्हाइट कलर की फिलिंग रहती है उसको तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटी सी कटोरी में पोहे वाली चम्मच से 3 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। रियली आप घर की बनी एक बार फिलिंग टेस्ट कीजिएगा और जो मार्केट के चोको पाई के अंदर जो फिलिंग रहती है उसको टेस्ट कीजिएगा। रियली आपको घर की बनी फिलिंग ज्यादा पसंद आई और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती, एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच दूध डालेंगे। यदि आपकी ये फीलिंग ज्यादा गाढ़ी हो जाती है तो आप दूध और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और यदि पतली हो जाती है तो आप थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो व्हाइट कलर की जो फिलिंग बना रही हूँ उसको मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ। इसी तरीके से आप भी चम्मच की सहायता से एक ही डायरेक्शन में और जल्दी जल्दी फेंटिएगा। इससे क्या होगा, हमारी फिलिंग एकदम क्रीमी टेक्सचर में बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग तैयार है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम चोको पाई के लिए घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम एक बड़ी सी छन्नी रखेंगे। अब इसमें हम 1.5 कटोरी मैदे का यूज करेंगे। मैं एक बड़ी कटोरी मैदे का यूज कर रही हूँ और छोटी कटोरी से फुल कटोरी मैदा यूज कर रही हूँ, मतलब मैं 1.5 कटोरी मैदा यूज कर रही हूँ इसमें। अब 1/2 कटोरी पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच कोकोआ पाउडर डालेंगे। यदि आप कोकोआ पाउडर का यूज नहीं करना चाहते तो आप बॉर्नविटा भी डाल सकते हैं या कॉफी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो चोको पाई मिलती है उसमें कोकोआ पाउडर यूज होता है, इसलिए मैं इसमें कोकोआ पाउडर का यूज कर रही हूँ। अब हम 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसी चम्मच से 1/3 चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे क्या होगा ये छोटे मोटे लम्स होंगे ना वो छन्नी में ही रह जाएंगे। अब इसको चम्मच की सहायता से हल्के हाथ से हिला देंगे। और आप देख सकते हैं छन्नी में बारीक दाने, छोटे मोटे लम्स रह गए, इसका यूज हम नहीं करेंगे। इसको मैं साइड में हटा दूंगी और विस्क की सहायता से एक बार हम इनको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 छोटी कटोरी से फुल 1 कटोरी इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ये खाने वाला ऑयल है, जिस तरीके से हम खाने के लिए ऑयल यूज करते हैं ना, ये वही ऑयल है। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 कटोरी दूध डालेंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, 2-2, 3-3 चम्मच करके हम इसमें दूध डालेंगे और विस्क की सहायता से उसको हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में हिलाएंगे। जिस तरीके से हम केक के लिए बैटर तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें बैटर तैयार करना है। बैटर ज़्यादा गाढ़ा और पतला नहीं होना चाहिए, और ध्यान दीजिएगा हल्के हाथ से हिलाइएगा, क्योंकि हमने इसमें जो बेकिंग पाउडर और जो सोडा डाला है ना वो अपना काम करना बंद कर देगा, इसलिए आप इसको हल्के हाथ से और एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा। ये देखिए मैंने इसमें पूरी 1 कटोरी दूध का यूज किया है और आप देखेंगे कि हमारा केक जैसा बैटर बनकर तैयार है, मतलब चोको पाई के लिए बैटर तैयार है पूरा। ऊपर से जब हम इसको गिरा रहे हैं तो ये रिबन जैसा गिर रहा है और गिरते ही ये फैल रहा है। अब इसमें हम पोहे वाली चम्मच से 1/2 चम्मच इसमें व्हाइट विनेगर डालेंगे, सफ़ेद सिरका डालेंगे 1/2 चम्मच। आप इसकी जगह नींबू का रस भी यूज करना चाहते तो कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 बूंद एसेंस के डालेंगे। मैं इसमें मिक्स फ्रूट एसेंस का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, या आप इसको अवॉइड करना चाहते तो कर सकते हैं। अब इसको हम विस्की की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। काफी लोग सोच रहे होंगे मैंने इसमें सिरका यूज किया तो एकदम कड़वा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो चोको पाई एकदम स्पंजी और एकदम सॉफ्ट बनेंगे।
ये देखिए, ये चोको पाई के लिए बेटर तैयार है हमारा। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम जो चोको पाई के ऊपर जो चॉकलेट से जो कवर रहता है, हम वो तैयार करेंगे। तो मैंने पहले रेसिपी में एक चॉकलेट को मेल्ट किया था, तो ये वही कटोरी है जिसमें मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया था, तो इतनी चॉकलेट बच गई है। तो ये 50 ग्राम चॉकलेट है। अब इसमें हम 1 चम्मच अमूल बटर डालेंगे और इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए मेल्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच अमूल बटर का डाल दिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डिफ़ॉल्ट में हम इसको मेल्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक ये मेल्ट होगा हम चोको पाई बनाकर रख लेंगे। और ये देखिए, ये इस तरीके का डार्क चॉकलेट का पैकेट आता है और इसी तरीके से सेम वाइट कलर का चॉकलेट का पैकेट आता है जो मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी, तो आप उधर से जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम मीडियम फ्लेम पर तवे को गर्म करने के लिए रख देंगे। इसमें मैं हल्का सा तेल ग्रीस कर रही हूँ, ज़्यादा तेल मत लगाइएगा, हल्का सा लगाइएगा। आप तवे की जगह इस तरीके का पैन भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब तवा हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम कोई मेजरमेंट लेंगे जिससे कि हम सारे चोको पाई बनाएंगे। तो मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है। अब हम चोको पाई का बेटर को इस कटोरी से आधी कटोरी लेंगे और इसमें चोको पाई डालना स्टार्ट करेंगे। इसको आप फैलाइएगा मत, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही फैल जाएगा। हम 2 चोको पाई डालेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढक कर 1 मिनट के लिए रख देंगे। एक मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं चोको पाई के ऊपर कितनी सारी जालियां और एकदम बबल्स टाइप से दिख रहा है और ये अच्छे से फूल गया है। हम इसको पलट देंगे। अब पलटने के बाद हम इसको ढकेंगे नहीं और दूसरी साइड से हम इसको आधे मिनट के लिए और सेक लेंगे। और आप देखेंगे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक गया है, ये देखिए। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारे चोको पाई बनाकर रख लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे चोको पाई बनकर तैयार है। इतने बेटर में हमारे 9 बड़े चोको पाई बने और एक छोटू सा चोको पाई मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। इसको मैं तोड़कर दिखाऊंगी ये अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है, ये देखिए। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जालियाँ भी बनी है, ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है। उसकी खुशबू तो एकदम मज़ेदार है, तो मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, तो मैं तो इसको जल्दी से खा लेती हूँ फटाफट। वाह, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में जो चोको पाई डाले थे वो थोड़े बड़े साइज में डल गए थे। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा साइज है, हमें इस साइज में नहीं बनाना है। जो सेकंड बार मैंने चोको पाई डाले थे उसका साइज एकदम परफेक्ट है। हमें इसी तरीके से सारे चोको पाई बनाना है। वैसे खाना तो अपन को ये बड़े या छोटे हो, लेकिन टेस्ट अच्छा आना चाहिए बस चोको पाई का। तो ये देखिए, अब हम बराबर साइज के जो चोको पाई है उनके हम जोड़े बना लेंगे। मुझे तो डोरेमोन डोरा केक की याद आने लगी, उसकी भी सेम रेसिपी इसी तरीके से है, वो भी मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और जो सिंगल चोको पाई मैंने बचाया है उसको मैं अलग तरीके से चॉकलेट से कवर करने दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने जो चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखा था ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। माइक्रोवेव में मैंने इसको मेल्ट किया, ये देखिए। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और हमने जो व्हाइट कलर की फिलिंग बनाई थी वो भी हमारी तैयार है, इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। यदि आप इस फिलिंग का यूज़ नहीं करना चाहते तो जो मार्केट में चॉकलेट सिरप होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का सिरप आता है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। या आप इसकी जगह मिक्स फ्रूट जैम का यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या आप चॉकलेट स्प्रेड का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बच्चों को चॉकलेट स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन मैं वही यूज़ करूँगी जो मैंने अभी बनाया है। वाइट कलर की जो फिलिंग तैयार की है मैं उसका यूज़ करूँगी, क्योंकि मार्केट में यही फिलिंग का चोको पाई मिलता है। अब हम एक चोको पाई लेंगे, उसकी दूसरी साइड हम ये वाइट कलर की फिलिंग रखेंगे। फिलिंग ज़्यादा मत रखिएगा, कम ही रखिएगा और एकदम कम ही फैलाइएगा, क्योंकि ये किनारों से बहने लगेगी वरना, और ये फिलिंग हमारी एकदम ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए। यदि आपकी फिलिंग पतली होती तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम दूसरा चोको पाई रखेंगे, ये देखिए, वाव कितना प्यारा लग रहा है ये। अब इसको हम जो हमने मेल्ट की हुई चॉकलेट तैयार की थी इसको हम हाफ कवर करेंगे। मार्केट में जो चोको पाई मिलता है वो फुल कवर मिलता है, आप फुल कवर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने जो एक सिंगल चोको पाई बचाया था उसको मैं फुल कवर करूँगी। अब इसी तरीके से हम सारे चोको पाई तैयार करके सिल्वर पेपर के ऊपर रखते जाएंगे।
आप देखेंगे कि मैंने सारे चोकोपाई को मेल्टेड चॉकलेट से हाफ कवर किया और जो सिंगल चोकोपाई है उसको मैंने फुल कवर किया। ये देखिए, अब इसको हम स्प्रिंकल से डेकोरेट करेंगे। तो ये बारहवीं सेली है, रेनबो कलर में कलरफुल स्प्रिंकल है, इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। और ये चॉकलेट स्प्रिंकल है, इससे भी हम इसको डेकोरेट करेंगे। और जो सिल्वर कलर की बॉल्स आती है उससे भी हम इसको डेकोरेट करेंगे। इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। यदि आप इनको परचेस नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, सभी घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल रहते ही हैं, तो हम इसको बारीक कट करके भी उनसे भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए, मैं इसको सिल्वर वॉल से डेकोरेट कर रही हूँ, ये कलरफुल स्प्रिंकल से इसको डेकोरेट कर रही हूँ, और ये चॉकलेट स्प्रिंकल से भी हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, हमारे सारे चोकोपाई अच्छे से डेकोरेट हो गए हैं। अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, हमारे चोकोपाई बनकर तैयार है। आपको एक उठाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो गया है और ये दिखने में कितना प्यारा और कितना यम्मी लग रहा है। मैंने इसको फुल कवर क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमने जो अंदर की फिलिंग है वो नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने इसको फुल कवर नहीं किया है। तो ये देखिए, मार्केट से भी टेस्टी चोकोपाई बनकर तैयार है, वो भी अपने हाथ की। आप इसको एक बार जरूर बनाइए, बच्चों को क्या बड़ों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो फटाफट तरीके से इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली बच्चों और फ्रेंड को टेस्ट कराइए और मुझे बताइए कि रेसिपी आप सभी लोगों को कैसी लगी। यदि आप सभी लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से हेल्दी टेस्टी इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।